हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे, और ये व्लॉग आज इवनिंग में ही आएगा क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम है। मेरे घर की ना ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो गई है, बस थोड़ा सा फ्रिज साफ़ करना रह गया। तब मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि कुछ ज़्यादा काम लास्ट के लिए बचे ना। तो पता है क्लीनिंग तो यह है कि रोज़ ही होती रहती है, दिवाली तो बहाना है, क्लीनिंग तो रोज़ ही होती रहती है, ये सब चलता है। तो फ्रिज मैंने अंदर से पूरा साफ़ कर दिया है, बस डोर बचा था बाहर का तो वो कर दिया है। यहाँ कैमरा नहीं सेट हो पाता है इसलिए नहीं क्लिपिंग बनाई थी। तो अभी मैं चढ़ी हूँ एकदम ऊपर वाले साहब, मैंने कहा चलो जब यहाँ का सारा हो गया है तो इधर भी क्लीन कर देते हैं। तो मैं यही क्लीन कर रही थी, और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया है आज, और क्योंकि पता था कि आज मॉर्निंग में थोड़ा काम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि दिवाली है तो थोड़ा डस्टिंग ज़्यादा कर लो, धूल मिट्टी। और ना मेरे वहाँ ना बहुत, क्योंकि मतलब बहुत हाइट में है ना घर, तो बहुत धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, तो वो सब साफ़ करना है, तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है ये सब करने में। और ये होता है, हर दूसरे दिन धूल जम जाती है। और मैं दिवाली तक हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मुझे साफ़ करते ही रहना पड़ेगा, वरना फिर हो जाएगा। और अंदर का तो सब क्लीन हो ही गया, सब हो गया, किचन भी अंदर से हो गया, बस बाहर की ड्रॉर्स जो है उसमें मैं थोड़ा सा कोलीन से करके ना साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़े दाग पड़ जाते हैं ना, क्योंकि हम हैंडल्स पकड़ते हैं, छूते हैं, ये सब चीज़ें, खाना बनता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहता है ये। तो अभी बस ये क्लीनिंग का पार्ट मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना बाकी के काम। तो अभी बस ये हैंडल्स वगैरह ही क्लीनिंग का हो रहा है, तो ये क्लीन हो जाएंगे, फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में इसको करने के बाद पूरा। तो अभी बस मेरा ये सब काम तो हो गया है ऑलमोस्ट। और देखो ये सफाई ना चलती रहती है, किचन तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ सारे काम होते हैं, खाना बनता है, ऑयल वाला काम होता है, घी सो सब लगा ही रहता है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से तक्षी आपको आवाज़ आ रही होगी, वो चिल्ला रहा है, खेल रहा है वो, इसलिए देखिए उसको इतना मना करा नहीं मानता। तो अभी आपको दिखाती हूँ इसके पापा क्या कर रहे हैं, वो भी अपने काम में लगे हैं। सब लोग छुट्टी वाले दिन अपना अपना काम लेके बैठे। देखो तक्षय के लिए स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा था, तो उसके लिए ये मंथ नेम वैसे उसको याद है, लेकिन कई बार ना वो बीच बीच में भूल जाता है खेल के चक्कर में। तो ना एक हमने चार्ट पेपर पे बना के ही मंथ नेम और क्या बोलते हैं उसको वीक डेज नेम जो है दोनों ही लिख दिए। और अभी देखना इसकी मस्ती, तक्ष ने क्या किया, तक्ष के पापा ने क्या किया है, तक्ष के पीछे पड़ रहा था बार बार मार्कर लेके, तो उसके मूछें बना दी है और इतने आराम से बनवा रहा है। मैं मना कर रही थी लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये देखो जरा, और इतने आराम से करवा रहा है और मैं मना कर रही थी तो रोक रहा था। और देखिए कैसा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ आपको अभी, मना करने के बाद भी अब देखो खुद गया है शीशे में अपने आप को देखने पहले के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और अब देखो आप खुद ही इतना कार्टून जैसे मूछें बना दिए उसके पापा ने उसकी, वो भी इतनी मोटी मोटी, ऐसा लग रहा है जैसे असली की मूछें बनाती है इसके। यही चलता है उसको, बस अभी स्टडी मटेरियल मार्कर निकाला था तो लेके बैठ गया, खुद देख के अब डर रहा है, अपने आप को नहीं जा रहा वहाँ पे देखने के लिए। सो अभी मैं बताया था कि मेरा अवन आया है, तो अवन का ये देखिए अब सारा सामान निकालने वाले और सेटअप जो है वो लग रहा है अभी एक तरफ, तो अभी अवन लग जाएगा। और इसका मैनुअल मतलब जो भी कुछ है वो बता देंगे, पूरे फंक्शन इसके, तो कंपनी से ही लोग आते हैं पूरे सेटअप के लिए, तो बस ये भी हो गया है काम अब। तो हो गया है घर का सारा काम और अभी मैं जा रही, मतलब मेरी ना दिवाली की सारी सफाई हो गई, अब मतलब कुछ नहीं बचा, अब सब क्लीनिंग हो गई है। और ये लास्ट टाइम तो ये चलता ही रहेगा जब तक मतलब दिवाली नहीं आ जाएगी, तो ये सब तो चलना ही है। लेकिन मेरी तरफ से सारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। मेरे ना बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे, पता नहीं क्यों। अच्छा पहले नहीं होते थे लेकिन जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद से ना मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे हैं। तो अब मैं अपने बालों का एक ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ, वो ट्रीटमेंट मैं करवा लूंगी बालों का, सोच रही हूँ करवा लूँ। थोड़ा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, थोड़े बाल थोड़े ठीक हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं अंदर से मेरे बाल। तो अच्छा मौका है, आज छुट्टी भी है इनकी, संडे है, ये घर पे है, तो इसी में मौका निकाल के चलती हूँ, जाके करवा लेती हूँ सोच रही हूँ।
तो मैं आ गई हूँ पार्लर अभी। और अभी तो हो रहा है सबसे पहले हेयर वॉश, क्योंकि आपने देखो इतना सारा हेयर ऑयल मैं लगा के आई थी अपने सर पे, तो उनको 2 बार तो मेरे बाल ही धोने पड़ गए, इतने चिपचिपे बाल मेरे हो रहे थे। तो हेयर वॉश हुआ है पहले, और वैसे तो इस पूरे प्रोसेस में मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ ना, तो मेरा पूरा 4 बार मतलब हेयर वॉश किया गया है टोटल। तो मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, देखो फ़ोन लेके बैठी हूँ, अभी हेयर वॉश हो रहा था मेरा। उसके बाद के कुछ कुछ प्रोसेस होता है, मतलब लगभग 2-3 घंटे का प्रोसेस, ज़्यादा ही टाइम का प्रोसेस होता है। तो मैं बस अभी छोटा छोटा क्लिपिंग करके आपको दिखा रही हूँ, हेयर वॉश हुआ है अभी। शायद मैं बात भी कर रही हूँ, पीछे से बोल रही थी कुछ, लगभग मतलब 3-4 घंटे लग गए थे, मैं तो थकी गई थी पूरा हेयर वॉश वगैरह। लेकिन बहुत टाइम से है ना, मैं सोच रही थी अपने बालों के संग मतलब कुछ अच्छा कुछ करवा दूँ, हेयर कट करवा दूँ, कलर करवा दूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था करने का। तो मैंने कहा चलो अभी बीच में भी मौका है, वैसे तो करवा चौथा उससे पहले करवा सकती थी, लेकिन इतना बिजी मतलब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इस बार स्पेशली टाइम निकाल के फुर्सत से ये काम कराया गया है। तो अभी हेयर ड्रायर के बाद अभी वॉश हो गए, और फिर अभी वही जो केराटिन ट्रीटमेंट जो बालों में मिलती है तो वो अभी किया जा रहा है, और अभी हेयर कलर भी होना है मेरा, तो वो भी अभी करवाऊंगी। बट अभी सारे प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए वो स्टेप वाइज होंगे। तो अभी एक स्टेप अभी चल ही रहा है ये वाला, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अभी आप देख ही रहे हैं मेरे बाल अब कैसे हो गए, कर्ली से एकदम स्मूथ हो गए हैं। तो अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि इस प्रोसेस में तो बहुत टाइम लगने वाला है। फाइनल लुक आपको कल देख मिलेगा, जब तक के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बाय बाय।